Welcome back, students. We were studying our third lesson, which is U.S. hegemony in world politics. Before this, we had read our topic, which was what does hegemony mean. In this, there were three points. That is, it can be classified into three points. First was hegemony as hard power, hegemony as structural power, and the last one was hegemony as soft power. Now our next topic is constraints on American power. Constraints का meaning होता है बाधाएं या रुकावटें जिसको कहा जाता है. People of the USA think that due to US government's policy, terrorist attack was increasing day by day. So they want change in policies. तो जो USA के लोग थे उन्हें क्या लग रहा था कि US की जो policies हैं जो government की उसकी वजह से उनके ऊपर जो उनकी country है उनके ऊपर day by day जो है terrorist attack बढ़ते जा रहे थे. तो लोगों का क्या कहना था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको चेंज होना चाहिए. जैसे हम लोग हैं, अगर इंडिया में हमें कोई चीज पसंद नहीं है तो हम पॉलिसी को या उस मेथड को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में होती है. तो वही है यहाँ पर कि लोग जो है वो पॉलिसीज में चेंज आते थे लेकिन किसी भी तरह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और इस कारण क्या था, जो पॉलिसीज थी उसके करके टेररिस्ट अटैक डे बाय डे बढ़ रहे थे. अब थ्री कॉन्स्टेंट्स उनके कौन कौन से थे. फर्स्ट है द यूएस मेन पावर इज नाटो, इन फ्यूचर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड हेगेमनी कैन गो डाउन. तो वहां किस चीज का डर था, यूएस की मेन पावर क्या थी, नाटो थी, जिसके बारे में हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा है. तो लोगों का क्या कहना था कि जो ये नाटो है फ्यूचर में शायद ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिसकी वजह से जो हेगेमनी है, जो यूएस का जो राज है लोगों के ऊपर वो कम हो सकता है या बाकी कंट्रीज के ऊपर कम हो सकता है. A system of division of powers among the three branches of government, that is president, parliament and judiciary, control one another. So many hurdles are generated among them. Second क्या है, एक system था कि तीन powers जो थी US में उनको divide किया हुआ था. First power क्या थी, president, second was parliament and the third one was judiciary. अब इसको हम एक example के साथ समझ सकते हैं कि अगर president जो है वो किसी country पर हमला करना चाहता है या वो पक्ष में है कि उसने हमला करना है और उसके साथ पार्लियामेंट भी उसके इस फैसले से सहमत है, अब ये दोनों जो है ये किससे पूछेंगे, जुडिशरी से पूछेंगे. और इन केस इफ जुडिशरी सेज दैट नो दे कैन नॉट इन्वेड ऑन एनी ऑफ द कंट्री, तो ये लोग जो है जो इन्होंने सोचा था उसको ये कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जब तक तीनों पावर्स के बीच में सहमति नहीं होगी ये कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते हैं. सो मेनी हर्डल्स आर जनरेटेड अमंग देम, इसी की वजह से वो कह रहे हैं उनके बीच में कई रुकावटें थी जो आ जाती थी, क्योंकि कई बार एक मानता था दो नहीं मानते थे, दो मान रहे हैं एक नहीं मानता था, तो प्रॉब्लम यहां पर बहुत ज्यादा होती थी. नेक्स्ट इज टेररिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक फॉर द यूएस, दे फॉट मेनी वॉर्स बट दे डिडंट एलिमिनेट टेररिज्म कंप्लीटली. अब तीसरी कॉन्स्टेंट क्या है अमेरिका पे, कि जो टेररिज्म है उसका जो ड्रॉबैक है, जो टेररिज्म है उसकी वजह से ड्रॉबैक रहा है यूएस में. इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जो है बहुत सारी वॉर्स लड़ी थी बट एट द एंड They were not able to eliminate terrorism completely. Eliminate means खत्म करना, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि टेररिज्म का जो है यहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट था. Now our next topic is India's relationship with the US. During the Cold War years, India found itself on the opposite side of the divide from the US. India's closest friendship during those years was with the Soviet Union. तो Cold War के बारे में वो बता रहे हैं, इस समय जो है इंडिया opposite side पर थी. And at that time, relationship were good with the Soviet Union, means Russia and the other 13 countries, which afterward got disintegrated. So after the collapse of Soviet Union, India decided to liberalize its economy. India's impressive economic growth rate made India an attractive economic partner for the US due to its technological dimensions and the role of Indian American diaspora. तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जब Soviet Union जो है वो collapse हो गया था, means जब वो disintegrate हो गया था, तो उसके बाद इंडिया ने क्या डिसाइड किया था कि अब वो खुद की अपनी एक लिबरलाइज इकोनॉमी जो है उसको फॉर्म करेगी. धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू करा, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है अपना काम करना शुरू करा, वर्क दिखाना शुरू करा, जिसकी वजह से ये इम्प्रेशन जो था वो किस पर पड़ा, जो यूएस है उसके ऊपर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ज्यादा इम्प्रेशन पड़ा कि वो इतने अच्छे से जो है अपने आप को ग्रो कर रही है. इसके बाद वो कह रहे हैं कि उसकी इस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से यूएस ने जो है उसको अपना पार्टनर बनाया, इकोनॉमिक पार्टनर बना लिया फॉर द यूएस ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड द रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा. डायस्पोरा का मीनिंग होता है माइग्रेंट. तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जो रोल है इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा का वो भी बहुत ज्यादा है. आगे उन्होंने थ्री पॉइंट में बताया है व्हाई इज इट पॉसिबल.
35% जो है टेक्निकल स्टाफ है बॉइंग का, एंड जो लास्ट वाला है वो क्या है 50% है ऑफ हाईटेक स्टार्टअप्स, इट इज ऑल्सो बाय इंडियन अमेरिकन. सो दीज वर द पॉइंट अंडर द टॉपिक इंडिया रिलेशनशिप विद द यूएस. आर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज हाउ कैन हेगेमनी बी ओवरकम. ओवरकम का मीनिंग होता है खत्म करना. तो हेगेमनी को किस तरह से खत्म किया जा सकता है. डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड बाय एनालिस्ट. फर्स्ट इज एज द बैंडवैगन डील्स टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स बाय ऑपरेटिंग विद इन हेगेमनिक सिस्टम. बैंडवैगन डील्स का मीनिंग क्या है कि अगर कोई हेगेमनी सिस्टम है और उसको हम अगर उसके सामने हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा कि हम जो है जितने भी उसके अंदर काम हो रहे हैं या जो भी वो हमसे करवाना चाहता है हम उस काम को फॉलो करें. और साथ ही साथ क्या है जितने भी यहाँ पर जो यूएस है अगर कोई चीज किसी कंट्री को फॉलो करने के लिए बोल रही है और वो उसका अगर आमने सामने वो उसके नहीं आ सकता है तो सबसे बेस्ट क्या है बैंडवैगन डील्स का मीनिंग क्या है कि हम उसको जैसा है एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको फॉलो करना शुरू कर दें. नेक्स्ट इज टू हाइट. स्ट्रेटेजी इम्प्लाइज स्टेइंग एज फार फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल. टू हाइट यहां पर ये स्ट्रेटेजी है जो अपनाई गई है टू ओवरकम अ हेगेमनी. टू हाइट का मीनिंग क्या होता है छिपा जाना. तो एक एनपीटी थी विच वी हैड डिस्कस इन द फर्स्ट लेसन विच वॉज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी विच वॉज साइन ऑन 1 जुलाई 1968. इसमें जो है इंडिया ने साइन नहीं करा था. अब वो कह रहे हैं कि 1998 में इंडिया ने जो है एक परमाणु बम था उसका जो है उस समय उन्होंने एग्जामिनेशन किया था बिना किसी को बताए. और अमेरिका की आदत क्या थी कि थ्रू सैटेलाइट जो है वो पूरे वर्ल्ड पर नजर रखता था कि कहां पर क्या हो रहा है. तो जब इसने 1998 में ये किया था तो उस समय भी इसने छुपा कर किया था. इसीलिए वो क्या कह रहे हैं टू हाइड का मीनिंग हो जाएगा कि अगर किसी ने कोई चीज करनी है या फिर वो परमाणु बम का निरीक्षण करना चाह रहा है या उसके बारे में कुछ जानना चाह रहा है उसके बारे में जो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको अगर वो टेस्ट करना चाह रहा है तो वो छुपा कर सकता है. इससे क्या होगा ये जो डोमिनेंट पावर है इससे काफी हद तक बचा जा सकता है अगर कोई काम छिपा कर किया जाए. तो ओवरकम के लिए एक उन्होंने स्ट्रेटजी ये भी बताई है कि अगर हेगेमनी से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हम छिप कर कोई काम कर सकते हैं. थर्ड वन इज इट मे बी पॉसिबल दैट वेरियस चैलेंजेस टू अकर फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर राइटिंग्स एक्सप्रेशंस टू होल्ड द माइंड्स ऑफ पीपल. अब लास्ट उन्होंने स्ट्रेटजी क्या बताई है कि अगर किसी कंट्री की हेगेमनी को जो है खत्म करना है तो सबसे बेस्ट क्या है वहां के जो राइटर्स हैं न्यूज़पेपर्स हैं टीवी चैनल्स हैं वो सब क्या करें उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे उसके अगेंस्ट लिखना और छापना शुरू कर देंगे. तो लोग क्या करेंगे जो लोगों के एक्सप्रेशंस हैं उनका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा उस हेगेमनी को लेकर. बिकॉज इन हिस्ट्री ऑल्सो वी हैव सीन कि हेगेमनी जो है कभी किसी कंट्री की प्रॉपर नहीं रही है ना हमेशा रही है. इन दिस एनसीईआरटी बुक ऑफ दे हैव गिवन कि फ्रांस जो था ना उसकी हेगेमनी रही थी और 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन था उसकी हेगेमनी भी हमेशा नहीं रही है. तो लास्ट उन्होंने यूएस की बताई है कि हेगेमनी जो है यूएस की भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी बुक. सो दिस वॉज आर थर्ड लेसन यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड द लास्ट टॉपिक वॉज हाउ कैन हेगेमनी बी ओवरकम. थैंक यू.